1747 विच पंजाब विच सिखां दी ताकत वधण लग पई सी। सिखां ने गुरमता पास किया अते अमृतसर विच राम राउणी किला उसार लिया। नादर शाह दी मौत मगरों कोहे नूर हीरा भी हुण अहमद शाह अब्दाली दी मलकियत विच आ चुकिया सी। अहमद शाह अब्दाली मुगलों दीआं कमजोरियां जाणदा सी, इसलिए उसने हिंदुस्तान ते हमला करन दा मनसूबा बनाया। मीर मनू राम राउणी किले नू ढा ढेरी कर देंदा है, क्यों जे वह समझदा सी कि सिर्फ सिख ही उस वेले मुगलों के सामराज लई खतरा सन, इसलिए वह सिखां नू मका देना चाहुंदा सी। अहमद शाह अब्दाली 18,000 की फौज लैके लाहौर वल टुर पिया। पिशावर आके उन्हें पता लगा कि शाह नवाज खान अपने ऐद तो मुकर चुके है। फिर उसने शाह नवाज खान नू सजा देने का सोच लिया। ज़करिया खान मगरों उस दे दो पुत्रां यहया खान ते शाह नवाज खान विचकार हुक्मरानी दी लड़ाई चलदी रही। यहया खान ने 1746 विच जसपत राय दा बदला लैण लई सिखां दा कतलेआम कीता। उस मगरों यहया खान दे भरा शाह नवाज खान ने उहदे तों हकूमत खो लई। सिख उस कतलेआम नूं छोटा घल्लूकारा कहिंदे ने। इन्हां वरियां विच पंजाब दी सियासत विच इक किरदार सामणे आउंदा है। इस किरदार ने ज़करिया खान, यहया खान, शाह नवाज खान, मीर मनू ते अब्दाली, सिखा ते मरहटियां सब नाल वक्-वक् चाल चली। कुछ लोग उसनू पंजाब दा मिकावली भी कहंदे ने। तारीख विच उसनू अदीना बेग खान दे नाम नाल याद किया जाता है। अदीना बेग अराई कौम नाल ताल्लुक रखदा सी। ओह एक पटवारी तो लाहौर दा हाकम बनन लई कई सियासी चालां चलदा है। जदों ज़करिया खान लाहौर दा गवर्नर सी, ओह हर चौथे पंजवें दिन हुल अते कीमती तोहफे ज़करिया खान नू कलदा। ज़करिया खान ने कुछ चिर मगरों अदीना बेग नू सुल्तानपुर लोधी दा हाकम बना दिता। जदों नादर शाह ने 1739 विच हमला कीता सी, उस वेले अदीना बेग सिखां नू ज़करिया खान दे कहण ते दबाउंदा नहीं, सगों सिखां नू हलाशेरी देंदा है कि वह अपनी ताकत होर वधाउंदे रहण। अदीना बेग नू ज़करिया खान ने एक साल कैद विच भी रखिया। कैद तों रिहाई मगरों उसने शाह नवाज ते यहया खान दोवां नाल तालुकात बना लए। जदों यहया खान ते शाह नवाज खान दी लाहौर लई लड़ाई होई तां अदीना बेग दोवें पासे अपना किरदार अदा करता रहा। आखिरकार शाह नवाज खान ने अदीना बेग नू जलंधर दा हाकम बना दिता। 1747 विच पंजाब विच सिखां दी ताकत वधण लग पई सी। सिखां ने गुरमता पास किया अते अमृतसर विच राम राउणी किला उसार लिया। यह उसारी पंजाब विच सिखां दी राजनीतिक ताकत दा एक नमूना सी। दूजे पासे मई 1747 विच ईरान दे कजलबाश सिपाहियां नादर शाह दे खिलाफ बगावत कर दित्ती ते 9 जून 1747 नादर शाह नू सुते पिया कतल कर दिता। नादर शाह दी मौत मगरों अफगान सरदारां अहमद शाह अब्दाली नू बादशाह बना दिता। जदों नादर शाह ने दिल्ली ते हमला कीता सी, उस वेले अहमद शाह अब्दाली नादर शाह दी फौज दा हिस्सा सी। नादर शाह दी मौत मगरों कोहे नूर हीरा भी हुण अहमद शाह अब्दाली दी मलकियत विच आ चुकिया सी। अहमद शाह अब्दाली मुगलों दीआं कमजोरियां जाणदा सी, इसलिए उसने हिंदुस्तान ते हमला करन दा मनसूबा बनाया। जदों शाह नवाज खान नू एक बार फिर यह यकीन हो गया कि यहया खान उस तों लाहौर दोबारा खो लवेगा, तो उस मौके उपर अदीना बेग ने शाह नवाज नू यह सलाह दिती कि वह कंधार दे बादशाह अहमद शाह अब्दाली तों मदद लवे। शाह नवाज ने इंज ही कीता। अहमद शाह अब्दाली तो अगे ही मौका पाल रहा सी। अब्दाली बहुत खुश होया। इधर अदीना बेग ने मकारी नाल एक पासे शाह नवाज नू अहमद शाह अब्दाली पिछे ला दिता ते दूजे पासे दिल्ली तक यह खबर पहुँचा दी
कि शाहनवाज मुगल हकूमत का गद्दार हो गया। दिल्ली ने शाहनवाज खान नू बुरा भला किया ते अब्दाली नू रोकण दा किया। अहमद शाह अब्दाली 18,000 की फौज लैके लाहौर वाल टुर पिया। पिशावर आके उन्हें पता लगा कि शाहनवाज खान अपने ऐद तो मुकर चुके है। फिर उसने शाहनवाज खान नू सजा देण दा सोच लिया। एक दरवेश साबर शाह ने अहमद शाह अब्दाली नू कहा कि वह शाहनवाज नू समझाउंदा है। साबर शाह जदों लाहौर अपड़िया तो बेवकूफ कमकल शाहनवाज ने साबर शाह नू ही मरवा दिता। अहमद शाह अब्दाली यह खबर सुन के होर गुस्से ते तैश ही चा जांदा है ते जनवरी 1748 लाहौर तो बाहर शालामार बाग दे कोल आ जांदा है। लाहौर दे तुर्क गवर्नर शाहनवाज कोल 40,000 दी फौज सी पर वह लाहौर छड़ के नस जांदा है। लाहौर वाले अपनिया जाना ते इज्जत बचाण लई अहमद शाह अब्दाली नू 32 लाख रुपया देंदे ने। अब्दाली वह पैसा रख लैंदा है पर अपने नाल आए अफगानी सरदारां ते सिपाहियां नू लुट मार करन दी खुल दे देंदा है। लाहौर तो निकल के अहमद शाह अब्दाली सरहिंद वल जांदा है पर राह विच मनुपुर दे अस्थान ते मुगल फौजां ते अब्दाली दी फौज दा मुकाबला हुंदा है। यह लड़ाई 10 दिन तक लड़ी जाती है ते इस लड़ाई विच वजीर कमरुद्दीन खान मारिया जाता है पर मीर मोइनुल मुल्क जो कि मीर मनु दे नां तों तारीख विच मशहूर है अहमद शाह अब्दाली नू लड़ाई विच हरा देंदा है। अहमद शाह अब्दाली इत्थों परत जांदा है ते काबुल जा सा लैंदा है। मीर मनु दी बहादुरी वेख के दिल्ली दा शाह उसनू पंजाब लाहौर वल भेज देंदा है। मीर मनु कोड़ामल नू अपना दीवान अते अदीना बेग नू जलंधर दा नाजम रहण देंदा है। अदीना बेग हुण मीर मनु दा गूढ़ा राजदान बन जांदा है। उस वेले तक अदीना बेग बहुत सारी दौलत जमा कर चुकिया सी अते अंदर खाते सिखां नाल भाईचारा भी बना चुकिया सी। मार्च 1748 विच सिखां दा सरबत खालसा अमृतसर हुंदा है अते 65 जत्थे वंड के मिसलां बना दिते गए। यह वह वेला सी जदों सिख एक नवी सियासी अते जंगी शकल तार रहे सन। बुढ़ा दल हेठ बनन वालियां 6 मिसलां ए सन। आलू वालिया, सिंघपुरिया, करोड़ सिंघिया, निशान वालिया, शहीदी अते डल्ले वालिया, जबकि तरना हेठ जड़ियां 5 मिसलां बनिया वह ए सन सुकर चकियां, भंगी, कन्हैया, नकई अते रामगढ़िया। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नू पूरे दल खालसा दा कमांडर बना दिता गया, जबकि नवाब कपूर सिंह नू सुप्रीम कमांडर बना दिता गया। सिखां दी 12वीं मिसल फुलकियां दल खालसा दी मैंबर नहीं सी, इसलिए 1748 विच सिख मिसलां दी वंड विच ओ शामिल नहीं सी होई। इस मिसल दे इलाके जिन्हां विच इह अपना कंट्रोल रखदी सी पटियाला, नाभा ते जिंद सन। इन्हां मिसलां पंजाब विच मुगल, अब्दाली अते मरहट्टा फौजां दा मुकाबला कीता। इह कारवाई करदे अते जंगलां पहाड़ां विच लुक जांदे। आउण वाले सालां विच इन्हां मिसलां ने महाराजा रणजीत सिंह दे राज दी नींह रख दित्ती सी। इह सिख मिसलां अपने आल दुआले होण वाले वाकियात ते निगाह रखदियां ते जदों भी कोई मौका मिलदा ते कारवाई करदियां। जदों अहमद शाह अब्दाली काबुल गया ते लाहौर विच 40,000 सिख कट्ठे हो के कब्जे करन लग पए। इस मौके ते मीर मनु ने सिखां नू दबाण लई माड़े अत्याचार किते। अहमद शाह अब्दाली दा तीजा हमला पंजाब दे इतिहास नू बदल देंदा है, क्योंकि इस हमले मगरों पंजाब ते लाहौर मुगल साम्राज दे हत्थों निकल के पठाणा दे हेठ आ जांदा है। मीर मनु अपनी पदवी बचाण लई अब्दाली दी हुक्मरानी कबूल कर लैंदा है। इस मगरों ओह थां थां सिखां नू निशाना बणाउंदा है। ओह सिखां नू फड़ फड़ लाहौर लै के आंदा है ते तसीहे दे के मार देंदा है। मनु साडी दात्री, असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों सानू वड़दा असी दून सवाए होए। मीर मनु राम राउणी किले नू ढा ढेरी कर देंदा है, क्योंकि वह समझदा सी कि सिर्फ सिख ही उस वेले मुगलां दे साम्राज लई खतरा सन, इसलिए वह सिखां नू मका देना चाहुंदा सी। 1753 विच मीर मनु दी मौत हो जांदी है। इस दे नाल ही सिखां उपर जबर दी हनेरी भी मुक जांदी है। मीर मनु मगरों उस दी घर वाली मुगलानी बेगम लाहौर दी हाकम बनदी है।
अपनी आने वाली वीडियो विच असी उस बारे गलबात सांझी करांगे। अदीना बेग दी मराठियां दे नाल गठजोड़ दी गलबात भी होएगी ते नाले मशहूरे जमाना पानीपत दी लड़ाई दे मुख किरदारां दी कहानी भी तुहाडे नाल सांझी करांगे। चैनल खोजो नाल जुड़े रहना, आ गया दिओ, रब राखा।